हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उम्मीदों का प्रभात के आज के इस एपिसोड में। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लघु गणक में पूर्णांक की जानकारी। जी हाँ, पूर्णांक की जानकारी आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी लघु गणक का पूर्णांश, हम संख्याओं के लघु गणक का पूर्णांश ज्ञात करना, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूर्णांश है क्या और ये कब आता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या का अगर हमें लघुगणक निकालना है तो उसमें उसके लघुगणक में, यानी कि किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या के लघुगणक के जो मान होता है, जो उसका लघुगणक का जो वैल्यू होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला भाग पूर्णांश होता है और दूसरा भाग होता है अपूर्णांश होता है। तो ये दो पार्ट होते हैं। तो चलिए देखिए, आइए देखते हैं ये है क्या। जैसे मान लीजिए कि लाख पाँच हज़ार छः सौ चौदह है और इसका लाख का देखिए यहाँ पे मान जो है, तो देखिए इसमें दो पार्ट है। पहला तो तीन है और दूसरा पार्ट जो है वो दशमलव में है, 0.07493। तो देखिए जब इसमें इसको हम ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो जो लाग का मान होगा वो कितना होगा, 5614, और इसमें जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.7493। तो आपने देखा कि 5614 का जो लघुगणक है ये है। तो देखिए यही मेनली होता है हम लोगों को कहीं भी सवालों में जो इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर यही हमको निकालना होता है। लेकिन इसको निकालने से पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है, जैसे कि पूर्णांश अपूर्णांश। तो देखिए यही एग्जैक्ट वैल्यू है जो कि दो भागों से मिलकर बना है, पूर्णांश यानी कि दशमलव के पहले वाला जो पूरा पूरा होता है और अपूर्णांश जो दशमलव के बाद वाला होता है। तो आइए सीखते हैं संख्याओं के लघुगणक का पूर्णांश ज्ञात करना। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें दो तरीके के ट्रिक हैं। वो ट्रिक क्या है, जब दी गई संख्या एक के बराबर या एक से बड़ी हो तो पूर्णांश क्या होगा। तो पूर्णांश बताते समय हमें ये देखना पड़ेगा दशमलव के बाईं ओर के कुल अंक, दशमलव के बाईं ओर के कुल अंक माइनस एक। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये कहने का इसके क्या मतलब है। जैसे कि मान लीजिए यही है हमारी संख्या, अब इसको हम देखिए निम्न संख्याओं के लघुगणक का पूर्णांश ज्ञात करें। तो चलिए इस ट्रिक पर एक सवाल हल कर ही लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ से हम हल कर रहे हैं हल, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी संख्या एक से बड़ी है या एक से छोटी। तो हम देख रहे हैं 678.35 है, तो हम यहाँ लिखेंगे हल में चूंकि दी गई संख्या एक से बड़ी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो 678.35 है यानी कि 678.35 है वो एक से बड़ा है। क्या है, एक से बड़ा है, और जब एक से बड़ा है तो हमें इसका पूर्णांश ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे तब दशमलव के बाईं ओर अंकों की संख्या, जी हाँ दशमलव ये है इसके बाईं ओर यानी कि इस तरफ ओर, दशमलव के बाईं ओर कुल अंक। तो देखिए आप गिन सकते हैं कि दशमलव के बाईं ओर कुल कितने अंक हैं। तो देखिए दशमलव के बाईं ओर 1, 2, 3, तो यहाँ हम कहेंगे बराबर 3 लिखेंगे। अतः अब अगर हमें इसका लॉग निकालना है, अतः लॉग 678.35 का पूर्णांश, यानी कि इसका जो पूर्णांश होगा वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ के जैसा कि नियम है कि दशमलव के बाईं ओर जितने कुल अंक होंगे उसमें से एक कम करना है, यानी कि 3 है तो हम यहाँ कहेंगे 3 में से एक हमें कम करना है, यानी कि जो इसका पूर्णांश होगा वो कितना होगा, 2 होगा। आगे अब आते हैं ट्रिक दो क्या कह रहा है। तो देखिए ट्रिक दो क्या कह रहा है, जब दी गई संख्या एक से छोटी हो, जब दी गई संख्या क्या हो, ये दी गई जो संख्या है वो एक से छोटी हो तो पूर्णांश क्या होगा, दशमलव के बाद, यानी अगर एक से छोटा है तो हमें दशमलव के बाईं ओर नहीं देखना है, दशमलव के बाद देखना है। दशमलव के बाद शून्यों की संख्या में जितनी भी होगी वहाँ हम एक जोड़ देंगे, वहाँ हम कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। तो देखिए इस पर हमारा ये अगला क्वेश्चन है। देखिए
ये सेकंड वाला क्या कह रहा है, 0.025। तो इसका हम हल कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमें पूर्णांश ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, चूंकि चलिए संख्या ही लिख लेते हैं, चूंकि लिख लेंगे 0.0567। ये क्या है, ये एक से छोटा है, क्यों, क्योंकि दशमलव पहले ही लग चुका है तो ये एक से छोटा है। अब अगर एक से छोटा है तो हमें पूर्णांश के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दशमलव के बाद शून्यों की संख्या। तो हम देख रहे हैं दशमलव के बाद जो है, ये ध्यान दीजिएगा कि अंक के बाद शून्य पड़ेगा तो वो नहीं लेना है, दशमलव के तुरंत बाद, दशमलव के तुरंत बाद शून्यों की संख्या एक है। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ दशमलव के तुरंत बाद, यहाँ दशमलव के तुरंत बाद शून्यों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे एक ही शून्य है तो हम यहाँ लिखेंगे एक, यहाँ क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे एक। अब यहाँ पे हम इसके लॉग का पूर्णांश हम बता सकते हैं, इसमें से हमें क्या करना है, ऊपर हमें घटाना था जब एक से बड़ा था, जब एक से छोटा है तो हमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः लॉग 0.0567 का पूर्णांश, यानी इसका हमें पूर्णांश बताना है तो हम यहाँ लिखेंगे का पूर्णांश। तो देखिए ये जो पूर्णांश हमें बताना है हम यहाँ लिखेंगे एक प्लस एक बराबर दो, एक प्लस एक बराबर दो। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, देखिए जब संख्या एक से छोटी हो तो यहाँ पर जो पूर्णांश होता है यहाँ माइनस में होता है, किस में होता है, माइनस में, सॉरी ये थोड़ा मिस हो गया था, तो देखिए यहाँ पे माइनस में होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको हम जोड़ेंगे तो, लेकिन यहाँ पे हम माइनस पहले ही लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। तो जब हम यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये वास्तव में दो प्लस में ना आ करके माइनस में आएगा, जिसको कि हम जब लॉग लिखते हैं तो इसको हम बार के रूप में लगाते हैं, लॉग का ये ऊपर ऐसे हम लिख देते हैं, तो माइनस दो को हम लॉग के बार के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया पूर्णांश। यहाँ पर देखिए ये भी संख्या दी हुई है, हम यहाँ लिखेंगे हल और यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर बताएंगे चूँकि 0.538 एक से छोटा है, यहाँ दशमलव के तुरंत बाद शून्यों की संख्या। तो देखिए तुरंत बाद इसके कोई शून्य हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ दशमलव के तुरंत बाद, दशमलव के तुरंत बाद शून्यों की संख्या। तो ये शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव के बाद, दशमलव के इधर कोई भी शून्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे जीरो, हम यहाँ क्या लिखेंगे जीरो। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः लॉग 0.538 का पूर्णांश। तो देखिए इसका हम लोगों को पूर्णांश बताना है, तो चूंकि यहाँ पर देखिए हम लोग माइनस में लिखेंगे दशमलव के बाद शून्यों की संख्या प्लस वन, तो देखिए यहाँ पे शून्य है तो यहाँ सबसे पहले बराबर लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, फिर देखिए जितना भी संख्या रहेगी वो तो कोई नहीं है तो हम जीरो लिखेंगे, इसमें हम एक जोड़ देंगे, तो इस तरह से ये माइनस एक आएगा जिसको कि हम एक के ऊपर माइनस बार लगा कर लिख देंगे। तो अब उम्मीद है कि आपको पूर्णांश समझ में आ गया होगा। अगर एक से छोटा है तो दशमलव के बाद जितने भी शून्य आएंगे उसमें एक जोड़ करके आपको माइनस के रूप में लिखना है और फिर उसको ऊपर बार के रूप में लिख देते हैं, और अगर एक से बड़ा है तो दशमलव के पहले बाईं ओर जितने भी अंक रहते हैं उसमें हम एक घटा देते हैं। अब जैसे देखिए यही हम एक और ले लेते हैं, दो और एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे चूँकि जो दी गई संख्या है यानी कि 25.437 ये एक से बड़ा है, ये क्या है एक से बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ दशमलव के बाईं ओर मतलब इधर आगे की ओर बाईं ओर, यहाँ दशमलव के बाईं ओर अंकों की कुल संख्या, बाईं ओर
अंकों की कुल संख्या तो आप गिन सकते हैं आसानी से। देखिए दशमलव है इसके बाईं ओर यानी कि आगे की ओर, एक दो दो अंक है तो हम यहाँ लिख देंगे दो लिखेंगे। अतः लॉग 25.437 का पूर्णांश, तो देखिए क्या हो जाएगा पूर्णांश यहाँ पर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए दो है तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो दो में से एक को जब हम कम करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा एक, यहाँ कितना आ जाएगा एक, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पर ये आंसर हो गया, ये सभी हमारे क्या है आंसर है। अब देखिए 308 का है तो देखिए यहाँ पर भी हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 308.62 बड़ा है एक से, अतः दशमलव के बाद अंकों की कुल संख्या। तो देखिए कुल संख्या अंकों की कितनी है आइए हम लोग गिन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाईं ओर यानी इधर एक दो तीन बराबर तीन, तो यहाँ लिखेंगे अतः लॉग 308.62 का पूर्णांश, तो देखिए इसका पूर्णांश कितना होगा, इसका पूर्णांश होगा तीन में से हमें एक घटा देना पड़ेगा, इसका पूर्णांश कितना होगा दो होगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा पूर्णांश हो जाएगा।